दिल्ली में एमसीडी चुनाव घमासान के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल पेश करेंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। 2012 में नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को तीन निगमों दक्षिण नगर निगम, उत्तर नगर निगम और पूर्वी नगर निगम में बांटा गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद तीनों नगर निगमों को एक करने पर वार्डों की संख्या जो फिलहाल 272 है उससे घटकर 250 हो जाएगी। हालांकि इस व्यवस्था में तकनीकी पेच फंस सकता है क्योंकि अभी की व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण व्यवस्था का बड़ा पेच है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली नगर निगम को तीन निगमों में बांटने का प्रयोग अब तक असफल रहा है। निगमों के अलग करने से कामकाज में कोई खास सुधार नहीं हो पाया। लोकसभा सदस्यों को बांटे गए दिल्ली नगर निगम विधेयक में यह भी कहा गया है कि 2011 में तत्कालीन दिल्ली नगर निगम का विभाजन क्षेत्रीय डिवीजनों और राजस्व सृजन क्षमता के मामले में असमान था। विधेयक में प्रस्ताव है कि विलय की गई निकाय में पार्षदों और अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का निर्धारण केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली के तीनों नगर निगमों के विलय के विधेयक को मंजूरी दे दी थी। सूत्रों की माने तो एमसीडी को एक करने के पीछे केंद्र का तर्क है कि लगभग एक दशक पहले दिल्ली नगर निगम के बंटवारे के बाद निगम कमजोर हो गए हैं और उनकी आमदनी में संतुलन भी बिगड़ गया, जिसकी वजह से एक को छोड़कर बाकी दोनों नगर निगम वित्तीय रूप से इतने कमजोर हो गए हैं कि इनके कर्मचारियों को वेतन और रिटायरमेंट पर दी जाने वाली राशि देना भी मुश्किल हो गया। नए विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के बाद एकीकृत नगर निगम पूरी तरह से संपन्न निकाय होगा। इसमें वित्तीय संसाधनों का संकट भी खत्म होगा और खर्चों में कमी आएगी और कामकाज को बेहतर करने में मदद मिलेगी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि क्या नगर निगमों के एक होने के बाद कुछ ऐसे विभाग वापस लाए जाएंगे जिन्हें दिल्ली सरकार को दे दिया गया था। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने चुनाव टालने को लेकर केंद्र पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि भाजपा भाग गई है और एमसीडी चुनाव को टाल दिया है और हार मान ली है। दिल्ली वाले खूब गुस्सा हैं। आप नेता आतसी ने कहा कि बीजेपी को एमसीडी चुनाव में अपनी हार साफ नजर आ रही थी, इसी डर से अचानक केंद्र सरकार को तीनों निगमों को एक करने का ख्याल आ गया। आम आदमी पार्टी ने इस तरह से चुनाव टाले जाने को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि इस तरह तो बीजेपी दूसरे राज्यों और लोकसभा के चुनाव भी टाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, दिल्ली।